शांत मत करना ना ही कोई भी शांत हो जाओ ठप गड़बड़ हो जाएगा आज नहीं जब आदेश होगा तब बिल्कुल गेट खोले जो जो नहीं जो खोलो तुम सब देखो सही धक्का मार के वो खड़ा बेटा सामने हाँ बेटा चिंता नहीं करने ठीक हो जाओ पांच अमावस्या करने गुरु कृपा होगी आशीर्वाद है और एक बार में हम तुम्हारे घर पे आएंगे ठीक गुरुजी ले कब आएंगे कैसे आएंगे पता नहीं बता देना गुरुजी ठीक इसके काम करता है ना अधूरे हो जाते हैं करते करते अब तो मैं एक मंत्र पहले तो पर्चा दिखा दूं क्योंकि तुम पढ़ी नहीं हो फिर उसके बाद हम मंत्र लिखते हैं स्क्रीन ताली तो बजा दो हमारी गिनती है और तुम्हारे बच्चा के ऊपर एक ऐसी शक्ति है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे परिजन में एक पुरखा का भाई पागल होकर के बावरा होकर के कुआं में गिर के मरा था वही तुम्हारे बच्चे पे आता है और वो कहता है कि मेरा नाम कोई बता दे हाँ, मैं मान जाऊंगा तो मैं मान जाऊंगा तो मैं कहता हूं वो तुम्हारा रामपाल रामपाल का पिता जवान कुआं में गिरा था जी सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है ना हम बता रहे इनको भी जानकारी हो तो बता दो नहीं यार वो कहते हैं राज तुम्हें जानकारी बता दो तुम्हारे घर में एक पिता का भाई था हाँ। वो कुआं में गिरा था बावरा हो गया था डिस्टर्ब हो गया था वही प्रेत रूप में तुम्हारे बच्चे पे आता है अच्छा। और वो कहता है कि मैं भैरव की शक्ति हाँ, भैरव नहीं है भैरव तो यहाँ पर है वो कहता है राज का राज रहेगा कोई हो तो बता देना उसका कोई समझ नहीं तो मैं बता तो रहा हूं और आपके पति का नाम संतोष कुमार है राइट जी आउट गो इसका दो बार तो एक्सीडेंट करवा दिया और जाओ हमारी गारंटी है अब वो भूत के कारण कोई भी नुकसान नहीं होगा अब कभी एक्सीडेंट भी नहीं होगा दो बार काम नहीं होने देते दो बार खड़े हो जाओ जल्दी भाग जाओ आपकी जनाधारा न्यूज से मैं हूं राजा विजयपाल और इस समय हरियाणा से भक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्या नाम है आपका नेत्राम यादव नेताजी जी पंडोकर धाम के बारे में कैसे पता चला पंडोकर धाम के बारे में यूट्यूब से पता लगा कुछ हमारे रिलेटिव हैं गुड़गांव से हेमंत कुमार जी उनसे पता लगा तो आप यहाँ पर आए तो आपने जो YouTube में देखा था वही देखा है आपने YouTube में देखा मैंने तो उससे भी भयंकर देख लिया यहाँ पर जी, क्या देखा आपने? मेरा लड़का 4 साल से बीमार था इतना भयंकर बीमार था कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था लीवर के लिए ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था और ये भी बोल दिया गया था कि आप अपना लीवर जो है दो या कैसे भी करके अपने बच्चे के जो है लीवर कार उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है आपके बच्चे की उसके बाद मैं जब यहाँ आया तो मैंने यहाँ पर्ची कटवाई पर्ची कटवाने के बाद मेरा 8 दिन बाद नंबर आया 8 दिन बाद नंबर आने के बाद महाराज जी ने मेरा जैसा मेरे घर में जो भी परेशानी थी वो मेरे बच्चे के बारे में बताई कि आपके बच्चे में भूत बाधा ये नहीं भूत बाधा है और क्लिक क्रिया है और ये बहुत जल्दी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे तो अभी मैंने 4 अमावस्या की हैं अभी तक 4 अमावस्या में मेरे बच्चे को 60% से ऊपर 70% के आसपास फर्क है और अब वो बिल्कुल लगभग अच्छी तरह खाता है पीता है शरीर से भी अच्छा हो गया समस्या क्या थी क्या बीमारी बताइए आप उसको लीवर की परेशानी थी लीवर डैमेज हो गया था अच्छा हाँ उसके बाद अब बिल्कुल उसका जो है खून का जो रेशा होता था वो 6 से ऊपर नहीं था अब 11.5 से ऊपर है खून के लिए और प्लेट्स उसकी थी 58 अब 1.5 लाख से ऊपर प्लेट्स हैं उसकी जब से मैं पंडोकर धाम में आया हूँ तो मेरे लिए तो पंडोकर धाम सब कुछ है मतलब इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है भगवान से भी बड़ा दर्जा मैं तो पंडोकर धाम को देता हूँ नहीं तो शक्तिपुत्र महाराज तो बहुत करते हैं नहीं शक्तिपुत्र अपनी जगह है लेकिन इनसे नीचे है हम उनको देखते ही नहीं हम ना हम उनको जानते ना हमारा उनसे कोई लेना देना अगर हमारे लिए है तो पंडोकर सरकार है गुरुशरण महाराज है और जो हमारे हमारे परिवार के लिए किया महाराज जी ने किया है मैं महाराज जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ऐसे ही आगे दरबार लगाते रहे जो दुनिया का भला कर रहे हैं ये स्वयं अतिमान महाराज हैं स्वयं इतनी शक्ति है इनके अंदर तो मेरा तो यही कहना है महाराज जी पंडोकर सरकार दिन दुगुनी रात चौगुनी जो है लोगों की सेवा करती रहे और ऐसे ही धाम में बढ़ोतरी होती रहे
यूट्यूब चैनल पर श्री पांडोका सका दरबार का वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अनेक अनेक ग्रुपों में और अपने यहाँ के ग्रुपों में।